नमस्कार, मेरा साथ है प्रमोद जी, जो हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं और करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आज उनका ओपनिंग था बैंड्रा में, इनके बारे में बताते हैं। यहाँ पे सोहेल खान आए थे, नील मुखर्जी आए थे, बहुत हंसते आए थे। आज उनसे जानते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ ब्रांच है उनका। प्रमोद जी आप बताइए, कहाँ का इंडिया का ब्रांच है, क्या है लक्ष्य आपका? जय हिंद। अभी तो फिलहाल हमारी ब्रांचेस मुंबई, पुणे एंड थाना में है, लेकिन बहुत जल्दी पूरी इंडिया में होंगे एंड बाय नेक्स्ट ईयर हमारे इंटरनेशनली भी ब्रांचेस खुलने वाले हैं। सर आपको बॉडी बहुत फिटनेस है, क्या फिटनेस का राज बताएंगे, टिप्स बताएंगे? तो आप फिटनेस के लिए एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, जो भी आपने निश्चय किया है वो करिए, दो बार हफ्ते में, तीन बार हफ्ते में, पर फॉर लाइफ। दूसरा चीज़ आपको डाइट मेंटेन करना पड़ेगी, खाली फिटनेस करके आधा ही आपको चाहिए। डाइट, हेल्दी डाइट, फैट डाइट आप डिसाइड करिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन, और फिटनेस से आपको और बहुत फायदे होंगे। बिसाइड्स हेल्थ एंड फिटनेस फिजिकली आपका माइंड भी ज़्यादा चुस्त है। जैसे कि लोग बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन प्रमोद जी बिजनेस कर रहे हैं लोगों को अपने तक जुड़ने के लिए। उनका लक्ष्य यही है, गरीब हो अमीर हो, इनके फिटनेस राज मतलब फिटनेस से अपना बॉडी को स्वस्थ रखें। प्रमोद जी आपने बिजनेस तो सब लोग करते हैं पैसे कमाने के, पर आपने जिस तरह आपने बोला कि आपने ब्रांच भी नॉर्मल सा रखे हैं, आपके जिले बड़े से छोटे सब उसके एक ही जैसे दर्जे हैं, क्या आप लक्ष्य जी? देखिए हमारे पिताजी हमेशा कहते हैं जो हम सोसाइटी से मिलते हैं तो कुछ पार्ट वापस सोसाइटी को भी देना चाहिए, एक सोशल सर्विस के हिसाब से। तो आज आपने शायद देखा होगा कि हमने एक फिटनेस एकेडमी भी लॉन्च की है, जिसमें हम लोग यूथ को रोज़गार भी मिलेगा एंड उनको एक एडुकेशन ट्रेनिंग भी मिलेगी। और आज एक पुण्य एक अच्छी भी एक हमारे हाथ से एक ये हुआ है कि जो ऑर्फन बच्चे थे आज उनको हमने किताबें एंड एडुकेशन वो भी हमने एक सपोर्ट किया है। तो बेसिकली क्या है कि बिजनेस के साथ हमेशा एक सोसाइटी के लिए हर इंसान ने, हर एंटरप्रेन्योर ने एक कुछ देना भी चाहिए। जितना आप दोगे उससे डबल भगवान आपको चार गुना देता है, ऐसे का हमारे माँ बाप की एक सिखावत है, बस उसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे प्रमोद जी की सोच है, अगर ऐसे हर हिंदुस्तान का सोच रहे तो हमारे हिंदुस्तान सोने का चिड़िया जो कहलाता था ना, आज भी है कल भी रहेंगे, पर इसी तरह सोच होना चाहिए। प्रमोद जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपकी ये मंजिल बहुत जल्दी कामयाब हो, हिंदुस्तान में पूरा वर्ल्ड में छाए प्रमोद जी के नाम। थैंक यू।